दोस्तों ट्रांसवर्सल एंड पेयर ऑफ लाइन का वर्कशीट 2 बता रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये बताने से पहले कुछ मैं बेसिक बता देता हूँ। जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये एल है, ये एम है, और ये एक ट्रांसवर्सल है ए। ट्रांसवर्सल उसको कहते हैं जिसमें कम से कम दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट किया है ना दोस्तों, इसमें टोटल एंगल जो देखेंगे ना 8 8 बनेगा। कैसे? एक ये बनेगा 1, एक ये बनेगा 2, एक ये बनेगा 3, एक ये बनेगा 4, यहाँ बनेगा 5, फिर यहाँ बनेगा 6, यहाँ भी बनेगा 7, एक ये बनेगा 8। इतना समझ में आया? अब ये एंगल का जो है, ये दोनों 4 और 1 जो है ना, ये ई लाइन से बाहर है, तो ये एक्सटेरियर एंगल कहलाता है। और यहाँ भी ये देखिए, इससे ये बाहर है, तो ये दोनों एक्सटेरियर एंगल कहलाएगा। ये और ये इंटीरियर, ये भी ये इंटीरियर है। समझ में आया एक्सटीरियर इंटीरियर? समझ में आया? मतलब ये लाइन दोनों है, ये लाइन पैरेलल भी हो सकता है, नहीं भी पैरेलल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लाइन के अंदर में है तो ये इंटीरियर कहलाएगा, इसके बाहर है तो एक्सटीरियर कहलाएगा। ये समझ में आया? आगे भी बता रहे कुछ। अगला इंटीरियर समझ में आ गया, एक्सटीरियर समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है ना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाता है, क्योंकि ये इंटीरियर, ये भी इंटीरियर, लेकिन इधर वाला का इस साइड ले रहे हैं, इधर वाला का इस साइड ले रहे हैं, तो ये अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, ये इसका अल्टरनेट एंगल कहलाएगा, ये इसका अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा, ये इसका अल्टरनेट एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। समझ में आया? इसका ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसका ये अल्टरनेट है, उसके बाद ये इसका अल्टरनेट, इसका ये अल्टरनेट। नेक्स्ट और भी बता रहा हूँ इसमें। और ये जो है वन का दोस्तों, ये वन का ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन के ऊपर में इधर, ये लाइन के ऊपर में, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। और इसका ये करस्पॉन्डिंग है, इसका ये करस्पॉन्डिंग है, इसका ये करस्पॉन्डिंग है। सो इस दोस्तों इतना समझ में आया? अगर आपको फिर प्रॉब्लम हो रहा है तो बैक करके एक बार और देख लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम होगा तो फिर ये सब आप फंसेंगे। तो नंबर एक मैं बता रहा हूँ, नंबर वन में, इन द गिवेन फिगर लाइन्स एल दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल पी, ये पी इसको इंटरसेक्ट करता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एंगल, अल्टरनेट क्या करना, एंगल ऑफ ए एंड सी, ए और सी का अल्टरनेट एंगल खोजना है। तो ए यहाँ है दोस्तों, दिख रहा होगा ए ये है, और सी कहाँ है, सी यहाँ है। तो दोनों का हम लोग क्या निकलना, अल्टरनेट एंगल निकलना है। दोस्तों अभी जस्ट बताए थे, इसका अल्टरनेट इधर होता है, इसका ये होता है। तो ए का जो अल्टरनेट है ना, तो जी है, क्योंकि ये एक्सटेरियर है, ये भी एक्सटेरियर है, तो ए का अल्टरनेट हो जाएगा किसका, जी। और सी का अल्टरनेट कौन हो जाएगा, सी इंटीरियर में है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। देखिए इसका ये होता है। अगला बता रहे हैं दोस्तों, ए नंबर बताया, अब बी नंबर बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों करस्पॉन्डिंग एंगल बताया था, जैसे इसका ए लाइन से बाहर है, तो इसका भी ए लाइन से यहाँ बाहर, करस्पॉन्डिंग एंगल इसको होता है। तो बी नंबर में करस्पॉन्डिंग ऑफ बी, बी यहाँ है तो बी का करस्पॉन्डिंग एफ हो जाएगा। और डी, डी कहाँ पे, यहाँ पे, इसका करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद सी नंबर में, उसके बाद ऑल द इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर मतलब दोस्तों ये वाला दोनों इंटीरियर है, ये भी इंटीरियर है, और ये बाहर वाला एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर। तो इसमें इंटीरियर जो है, ऑल इंटीरियर एंगल लिखना है हम लोग को। तो दोस्तों देखिए, सी है, डी है, ई है, एफ है। तो सी है दोस्तों, एंगल सब में होगा, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ, इस सब में भी एंगल होगा, क्योंकि एंगल ही हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है ऑल द एक्सटीरियर एंगल, तो एंगल क्या होगा, ए बी जी एच, डी नंबर में एंगल ए, सॉरी ए स्मॉल है, एंगल बी, एंगल जी, एंगल एच। दोस्तों उल्टा पुल्टा भी ले सकते हैं, बी ए, इससे मैटर नहीं करता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बता दिए, अगला देखते हैं, टू नंबर बता रहा हूँ दोस्तों। इन द गिवन फिगर लाइन पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल एस, ये पी ए क्यू है, जैसे ट्रांसवर्सल एस है। दोस्तों मैंने बताया था कि 8 एंगल टोटल बनता है। अब फिर पहला बता रहा है, क्या बताना है, तो ए नंबर में क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, दोस्तों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बताना सबका। तो यहाँ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल देखिए, वन का क्या है, तो देखिए ये लाइन से बाहर है, तो वन का यहाँ क्या होगा, फाइव हो जाएगा, एंगल वन का एंगल फाइव हो जाएगा। ये दोनों को अलग कर लेते हैं, एंगल टू का एंगल सिक्स हो जाएगा, उसी पर एंगल थ्री का एंगल सेवन हो जाएगा,
एंगल 4 का एंगल 8 हो जाएगा। दोस्तों ये देख लीजिए 4 का 8, मतलब ये लाइन से एक ही तरफ है ना। नेक्स्ट है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बी नंबर में अल्टरनेट इन क्या थे इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, पहले इंटीरियर कौन है दोस्तों, तो ये 1 और 4 और 6 और 7 एक्सटीरियर है, 2, 3, 5, 8 ये दोनों इंटीरियर है। तो हम लोग को इंटीरियर इंटीरियर तो में कौन अल्टरनेट इंटीरियर निकालना है, तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन हो जाएगा 5, मतलब अल्टरनेट मतलब बदल के, इस पार है तो उस पार जाना है, मतलब नीचे है तो ऊपर है ना, तो एंगल 3 का 5 हो जाएगा और एंगल 2 का 8 हो जाएगा इंटीरियर, क्योंकि हम लोग को निकालना है इसलिए ये दो देखिए। नेक्स्ट है 3 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, इन द गिवन फिगर, फिर यह फिगर दिया होगा, ये फिगर है फिगर, एंगल पी क्यू टी ये एंगल के बारे में बोल रहा है, उसके बाद है उसके बाद एंगल आर क्यू टी ये एंगल के बारे में बोल रहा है, इधर और इधर वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, अल्टरनेट एंगल इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसका यहाँ होगा और इसका यहाँ होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इफ़ नो बोलता नो, नो तो ये है, पहले नो लिख ही देते हैं, व्हाट इज़ दिस पेयर ऑफ एंगल कॉल, तो इधर और इधर वाले एंगल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों ये है इट इज़ अ लीनियर पेयर। अब इससे पिछले वाले कल इसमें चैप्टर में पढ़े होंगे उसको, ये इट इज अ लीनियर पेयर होता है, इसको कहते हैं, ये क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं, ये लाइन सीधे रेखा में जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम जो है ना 180 होता है, तो ये लीनियर पेयर कहलाता है ना, और इसको एंगल को एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं, लेकिन हम लोग को वो मैटर नहीं करना पड़ता है, यहाँ देखना पड़ेगा 180 है कि नहीं, तो ये है ना लीनियर पेयर कहलाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू।